होती है। अहम खबर आपको बता दें, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने बयान दिया है और कहा है कि किसानों को बर्बाद करने पर सरकार तुली हुई है। कॉर्पोरेट को बढ़ावा देना चाहती है सरकार, सरकार के पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले कृषि मंत्री खुद हिंदुस्तान पर थे और उन्होंने कहा कि हम किसान से हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं, मसले को बातचीत से सुलझाने की जरूरत है, लेकिन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति इससे इतर बात कर रही है। और आपको सीधा लिए चलते हैं शालिनी के पास, बुलंदशहर। शालिनी, ओवर टू यू। बिल्कुल मलिका, देखिए गांव की जो शाम होती है वो भी बड़ी खूबसूरत होती है, सिर्फ सुबह ही नहीं शाम भी बड़ी खूबसूरत होती है। और जैसे शाम के वक्त आरती की एक परंपरा है हिंदुस्तान के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर, वैसे ही यहाँ पर भी राधे और राम की जो आवाज है, जो धुन है, वो फिलहाल यहाँ पर सुनाई दे रही है। आप देखिए ये गाँव की शाम दिखा रहे हैं आपको। राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। तो भैया ये राधे राधे गोविंद कवाई है, 100 साल पहला उपदेश बता रहा हूं मैं। ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, और अंग्रेज भले थे इनसे, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में 300 रुपए का तरबूज बिक गया, 300 रुपए का एक तरबूज बेच दिया मजदूर ने, और आज मजदूर और किसान खाने खराब है। कैसे बिका? वो चीज महंगी लेते थे, आज मोदी राजा है कुर्सी पे, सब सुनाऊंगा मैं। तो वो तरबूज बेच रहा था बेचारा मजदूर, अंग्रेज आए और कहने लगे कि हमको एक तरबूज तोलो, तो तरबूज 2 रुपए का था। उसने कहा कि सर 3 3, तो 3, उसने कहा 3 रुपए दो खुले, तो उसने समझा, उसने दिया 200 रुपए, ये 300 का है। ये कहानी यहाँ चलती रहेगी, आगे भी ये कहानी चलती रहेगी और हम लौटेंगे। लेकिन प्रत्युष, यहाँ बुलंदशहर के गांव की मैंने ये तस्वीर पहुंचाई, प्रत्युष आप जहाँ पर मौजूद, वो भी सामान्य होगी, और ये जो मांग है इसके ऊपर भी एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ कंक्लूजन आई। हरियाणा में सरकार जिस तरीके से लगातार, मैंने कई पहले भी बोल दिया है कि जब तक हम MSP अश्योर कर सकते हैं, और हमने 6 फसलों पर MSP हरियाणा में इंश्योर करी, किसी और प्रदेश ने तो 2 पे भी नहीं करी, जब तक हम इंश्योर कर पाएंगे वी विल बी स्टेबल एंड विल बी मूविंग फॉरवर्ड। सर उम्मीद है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा, क्योंकि किसान, देखो रास्ते तो बातचीत से निकलते हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं तो ये मानता हूँ कि दोनों पक्षों में 1 2 3 नहीं 6 राउंड की बात हुई है, और 1 से 2 राउंड जब ही हुआ जब कुछ प्रोडक्टिव दिखा, और उम्मीद है कि 7वें राउंड की टॉक जल्दी होगी और उसके बाद कुछ पॉजिटिव दोनों पक्षों से सामने। सर MSP तक कानून के रूप में आप मानेंगे या लिखित लगातार से हिंदुस्तान महाचौपाल के जरिए किसानों की बात तो पहुंचा रहा है, साथ ही साथ सरकार इस पूरे महाचौपाल को देख रही है, सुन रही है, वो क्या कह रही है वो भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई है, कई किसान भाई यहां पर हमारे साथ सुबह से ही जुटे हुए हैं। देखिए जैसे ये किसान भाई सुबह से जुटे हुए हैं, अब इनके पास धीरे धीरे ये शॉल भी आ गई है, ठंड बढ़ रही है, शाम का समय, जरा बताइए 17 दिन हो गए पूरे इस आंदोलन को किस नजरिए से किसान देख रहा है, क्या ये 17 दिन और चलेगा या कुछ घंटों कुछ दिन का मेहमान है, खत्म हो गया आंदोलन? देखिए किसानों की तरफ से तो भाई साहब ऐसी बात है कि ये अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार बिल्कुल बैकफुट पर नहीं जाएगी तब तक किसान बिल्कुल अपने आंदोलन को तेज बढ़ाता ही जाएगा, कम करने की तो कोई बात ही नहीं है, चाहे 17 दिन नहीं बल्कि 17 महीने निकल जाओ, जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। एक बात तो साफ है ताऊ कि सरकार ने कह दिया कानून वापस नहीं लेंगे, कानून में कुछ संशोधन की गुंजाइश है, हम वो करने को तैयार हैं। भाई लेनी पड़ेगी, 3 कानून है का वो लेनी पड़ेगी जब तक किसान नहीं मानेगा। अच्छा हाँ, किसान अभी और ज्यादा जाएगा वहां को दिल्ली। अच्छा आपसे अगर कहा जाए ताऊ, आप तो फिर जाते नहीं हो वहां पर, 40 नेता जाते हैं बात करने के लिए, आपसे अगर मैं पूछूं कि वो क्या 3 संशोधन
आप बताना चाहोगे, क्या सुझाव दोगे, जरा तीन बता दो आप। जो हमारे 40 गांव हैं, जैसे वो मानेंगे बात वही बात मानी जाएगी। आप बताइए क्या वो तीन सुझाव, बड़े सुझाव, मुख्य सुझाव। हमें सुझावन की कोई पता ना है। हम तो बस ये चाहें कि जो उन्होंने तीनों जो बिल ये पास किए हैं वो उनको वापस ले, और जो MSP है सरकार बोल रही है सुझाव दीजिए। सुझाव हम दे तो रहे हैं। जो हमारी जो MSP है, जो उन्होंने MSP दी है, उसको एक्ट में बदलें, उस पर एक्ट लगाएं, क्योंकि एक्ट के बगैर तो हमारी MSP फिक्स है ही नहीं, निश्चित ही नहीं है वो। MSP पे जब हमारी खरीद होगी और एक्ट नहीं लगेगी तो फिर तो वही हमारा न्यूनतम मूल्य रह गया। जब तक एक्ट नहीं लगनी है जब तक हमें संतुष्ट नहीं है MSP से भी। MSP तो अभी भी मिल रहा है, MSP तो अभी भी MSP पर खरीद होती है, लेकिन सारे किसानों को MSP का फायदा नहीं मिल पाता। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ किसान वर्ग इतना दुखी कर दिया इस सरकार ने, इससे पहली सरकार ने किसी ने नहीं किया। जब तक हमारे कोई भी तीनों कानून ये वापस नहीं लेती सरकार, समझे, हम पीछे हटने वाले नहीं। 6 महीने हो जाए, 1 साल हो जाए, बच्चन के लिए फीस के लिए पैसे नहीं हम पर, कुछ नहीं हमारे। अच्छा, बच्चे एक चीज तो है कि ज्यादातर किसान इसी बात को लगातार कह रहे हैं, और शायद 17 दिन से सवाल भी हम बार बार यही कर रहे हैं कि ये गतिरोध कब दूर होगा, क्या ये कानून के बीच में, क्या इनके गतिरोध के बीच में क्या कोई बीच का रास्ता है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि बिना संवाद के, बिना डायलॉग के किसी समाधान तक आप नहीं पहुंच सकते, उसके लिए संवाद जरूरी है। सरकार बार बार कह रही है कि सुझाव दीजिए, बातचीत के लिए आइए। ये आंदोलन हाईवे जाम इसके बीच हम क्या सुझाव दें? सुझाव कानून बनाने वाले मोदी जी, सरकार मोदी जी जो कुछ भी करेंगे सब इनके हाथ का काम है। कानून जो बनाई है इन्होंने ही बनाई है, हमने तो कोई कानून नहीं बनाई, कानून नहीं बनाई है, कानून की बात है। कानून ये चाहे तो चाहे जब खत्म कर सकें, जब हमें समाज अच्छी ना लग रही कानून ये, तो इनको भारी बात ना इनके नहीं हटानी, कानून हटा दें और स्वामीनाथन की रिपोर्ट है हमारी ये लगा दें, बस कोई हमारी इनकी लड़ाई नहीं है। चलिए, ये वॉयस, ये आवाज इनकी ही पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच रही है, अलग अलग राज्यों से लगातार महाचौपाल चल रही है। मैं इस वक्त सीधे हितेन का रुख करूंगा। हितेन, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए सोनीपत पहुंच चुके हम लोग, और करीबन 40 मिनट और ये काफिला जो है सिंगू बॉर्डर पहुंच जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको ये तस्वीरें दिखाएं। देखिए लगातार ये आज 17वां दिन है किसान आंदोलन का, और ये लगातार तेज होता जा रहा है। सड़कों पर जहां भी देखेंगे वहां आपको ट्रैक्टर ट्रॉली इन किसानों के समर्थन में दिल्ली पहुँचती नजर आ रही है, और इनकी भी मांग यही है कि बस रद्द हो जाए कानून। और ये मन बना के पहुँचे हुए हैं कि सरकार ने भले मन बना लिया हो कि कानून रद्द नहीं करेगी, लेकिन हमने मन बना लिया है कि सरकार कानून रद्द करेगी तभी हम उठेंगे, उसके बिना हम उठेंगे नहीं। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन सड़क से शुरू हुआ, रेलवे ट्रैक पर पहुंचा, रेलवे ट्रैक से फिर सड़कों पर पहुंचा, फिर निर्णय लिया गया कि देश भर में रेलवे ट्रैक रोकी जाए, लेकिन बाद में फैसला लिया कि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, आगे आने वाले दिनों में सोचा जाएगा। लेकिन अब सड़क पूरी तरह से बंद है, दिल्ली को पांचों तरफ से बंद कर दिया गया है, और पूरी तरह से ये मन बना चुके हैं। इनका कहना है कि हम जब पंजाब में बैठे थे, सरकार का जो प्रस्ताव अभी हमारे पास आया है वो प्रस्ताव अगर हमें पहले दिया जाता तो हम दिल्ली ही नहीं आते, लेकिन अब हम दिल्ली आ गए हैं तो प्रस्ताव नहीं चाहिए, कानून रद्द करवाएंगे, कानून रद्द करवाए बिना नहीं जाएंगे। देखिए ये युवा है, जालंधर से पहुंचे हैं और दिल्ली एकदम ये बोल रहे कि 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी वक्त लगे सरकार को झुकना पड़ेगा, ये इनकी मांग है। लेकिन आखिरकार कब तक आप लोग ठंड में कब तक बैठे रहेंगे? कोई बात नहीं, ठंड कितनी है, ठंड तो बस कम से कम 1 महीना रहेगी, उसके बाद मौसम सही होएगा, ठंड जितनी मर्जी हो हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कानून रद्द नहीं हो। देखिए ये तस्वीर टोल की, सोनीपत टोल अभी अभी पार किया है, और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से देश भर के सभी टोल किसान
फ्री कराने वाले थे, यहाँ कर्मचारी है साइड में है, लेकिन हरियाणा के अधिकतर टोल हमने आज फ्री देखे। और ये सीधे तस्वीर जी हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा था कि हरियाणा के अधिकतर टोल अपने आप ही आज बंद हो चुके थे। अब आगे क्या, आगे किस तरह से आप लोगों की रणनीति होगी, आंदोलन कितना आगे बढ़ेगा, किस तरह आगे बढ़ेगा? एक शांतमय आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, हम तब तक सड़कों पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती। और दिल्ली जाने का आदेश मिले आपके जत्थेबंदियों की तरफ से? तो दिल्ली हम जत्थेबंदियों के साथ ही जा रहे हैं, जैसे और भी लोग हैं उनको 15 दिन बाद आना है, जैसे हम आ जाए हैं अगर लोग आएंगे 10-15 अगर 15 दिन में आंदोलन बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। देखिए और भी लोग वेटिंग लिस्ट में है, शालिनी बुलंदशहर में आप हैं, वहाँ से पूछिए कि वो कब कब जत्था बना के दिल्ली के लिए, दिल्ली की सरहद के लिए रवाना होंगे, क्योंकि यहाँ तो ये कह रहे कि हर 15 दिन में लाखों की तादाद में जो है पंजाब से लोग दिल्ली की सरहद के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, तो अलग अलग जगह की तस्वीरें जी हिंदुस्तान आप तक पहुंचा रहा है और ज्यादातर जगहों पर किसान का रुख लगभग एक साथ समझ में आ रहा है। हालांकि कोशिश सिर्फ ये जी हिंदुस्तान की नहीं है सरकार के दिल का हाल समझने की, बल्कि सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है, सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है गांव तक पहुंचने की, इन लोगों तक पहुंचने की। और हम न सिर्फ किसानों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं, जो बड़े नेता है जो कानून बनाने वाले हैं उनकी आवाज भी जी हिंदुस्तान आप तक पहुंचा रहा है, मतलब बीच का सेतु बनने की कोशिश। और ये जो लगातार गतिरोध बना हुआ है, इतना लंबा आंदोलन जो बना हुआ है वो खत्म कराने की ये कवायद, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि इंतजार बड़ा अब लंबा हो चुका है? हाँ, इंतजार लंबा हो चुका है, ये तो सरकार ने नाकाफी है सरकार की जो इंतजार इतना बड़ा करवाया किसान पे, ये चाहते तो पहले ही खत्म कर देते। मोदी जी दिल से आए, अब आपको लग रहा है कि दिल से नहीं आ रही है सरकार? हाँ, अभी तक लग रहा है दिल से नहीं आ रही है, अब दिल से आ जाएगी, दो घंटा में काम हो जाएगा। किसानों ने जितनी बार वार्ता की है सरकार से वो क्या पूरे दिल से की है, क्योंकि हमने देखा हर बार किसान भी अड़े हुए थे हाँ या ना के ऊपर। हाँ, यसनो जो दुखी होगा किसान ने दुखी होकर यसनो किया है, दुखी होकर जब इन्होंने बात नहीं मानी, एक ही बात में संशोधन में ही आ रहे हैं कि संशोधन संशोधन, तो किसान रुष्ट है इनसे, मैं किसान की बात क्यों नहीं मानी जा रही? किसान रुष्ट है। अच्छा, सरकार अगर नहीं मान रही है, संजू जी, सरकार अगर किसानों की बात नहीं मान रही है तो ये क्यों ना माना जाए कि किसान भी तो सरकार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, किसान संगठनों में फूट की खबर सामने आ रही है। पंजाब किसान यूनियन के नेता प्रेम सिंह गहलावत का बयान, 14 दिसंबर को सरकार को घेरने की बात कही गई थी और सरकार से बातचीत की बात अब कही जा रही है। किसानों की 8 मांगों पर सरकार से हम बात करेंगे, अगर सरकार दबाव देगी तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। शालिनी, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर जो कि जो पंजाब के जो संगठन है और वहाँ के जो किसान नेता है उनसे जुड़ी हुई अब पहुंचा रहे हैं हम, ऐसा सुनने में आया बड़ी खबर अभी जो हमने ब्रेक की है जी हिंदुस्तान ने टेलीविजन के ऊपर, कि अब फूट पड़ती हुई जो किसान नेता है उनके बीच में दिखाई दे रही है, जो डेलीगेशन था उसमें फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, किसान जो है किसान में कभी फूट नहीं पड़ेगी, हो सकता है कोई तीसरा उसमें कुछ किसानों के बीच में हो, वो फूट डालने की कोशिश कर रहा है, किसान कभी भी फूट के चक्कर। अच्छा, अगर वहाँ पर जो किसान नेता है वो हामी भर दे बीच डालने के ऊपर, कार्यकारिणी बैठी हुई है, हमारी हाईकमान बैठी हुई है, जो उनके उनके आदि सम्मान, पूरा भरोसा है किसान नेताओं के ऊपर, पूरा भरोसा है, वो जाएंगे बात रखेंगे जब, तो जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके ऊपर पूर्ण सहमति बनेगी। जी हाँ, पूरी सहमति बनेगी। हाँ, ये हमारे बात, ये बात हम निर्भर जब भी होंगे, जब हमारी जो बातें हैं जो सुनी जाएंगी वो जब भी तस्वीरें हैं। और ये भजन आप जरा 10-20 सेकंड सुनिए, फिर मैं प्रत्युष जी का भी रोख करूँ। अयोध्या सोनीपत की तस्वीर आपको दिखाई, हमने आपको कोटा, बीकानेर, पटना,
फिर सालिनी बुलंदशहर में मौजूद है, जहां जहां महा चौपाल लगी है जी हिंदुस्तान की तरफ से, वहां पर किसानों की आवाज पूरे देश तक, पूरे हिंदुस्तान तक और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये जो गतिरोध बना हुआ है किसी तरीके से गतिरोध दूर हो और इस पूरे समस्या का समाधान हो। तो सवाल मेरा फिर से वही सवाल, और कितने दिन? देखिए, जब तक हमारे ये इस पे कोई संशोधन नहीं होगा, जब तक हमारी किसान कोर कमेटी जो है संतुष्ट नहीं होगी, तब तक अनिश्चितकालीन है। इसका कोई समय नहीं है कि ये कितने दिन धरना चले, कितने दिन प्रदर्शन हो और आगे प्रदर्शन में क्या अपनाया जाए, जैसे रेलों को रोकना, पटरियों को उखाड़ना, यहाँ तक की सीमाएं आ सकती हैं, संसद भवन का घेराव तक हो सकता है, मंत्रियों के कोठियों को उनका भी घेराव हम कर सकते हैं, आगे इसकी कोई लिमिट नहीं। यानी दिल्ली प्रस्थान का इनका इरादा है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती तो हम इससे आगे भी कदम अपना बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन सब चीज से हासिल क्या होगा? किसानों को तो चाहिए अब उसकी लागत, मुनाफा, उचित कीमत। जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होंगे तब तक धरना चलता रहेगा और आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रूप ले जाएगा और हो सकता है संसद भवन के लिए भी कूच कर दें, भैंस गाड़ी बैलगाड़ी सबको ले जाएं और संसद भवन में पहुंच जाएं हम। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, सरकार ने तो पहले समय दिया था सभी को कि आप आइए और आकर के बातचीत कीजिए और बुराड़ी के मैदान में निर्धारित स्थल है वहां पर आप धरना प्रदर्शन कीजिए, लेकिन चारों तरफ बॉर्डर को जाम कर दिया गया। सरकार किसान को दिल्ली नहीं आने दे रही है, बॉर्डर किसानों ने जाम थोड़ी किया है। बॉर्डर तो सरकार खोल दिया था कि आप जाइए बुराड़ी मैदान, फिर किसान बुराड़ी एक ओपन जेल है, किसान वहां जाना नहीं चाहते। जब किसान जंतर मंतर या रामलीला मैदान जाना चाहते, सरकार को उसमें क्या परेशानी है? किसान को रामलीला मैदान जाके शांतिपूर्ण तरीके से धरना करने दिया जाए। पुरानी हो गई, अब तो बात पुरानी हो गई, अब तो बातचीत पर, टेबल टॉक पर बातचीत आ गई। टेबल टॉक के छह दौर के बाद अब किसान आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? छहों दौरों की वार्ता में कहीं भी किसान को सरकार संतुष्ट नहीं कर पाई है। जब किसान संतुष्ट नहीं है, बार बार वार्ता कर रही है सरकार, तो जब सरकार किसान को संतुष्ट नहीं कर पा रही तो किसान कितनी बार वार्ता करे? जब किसान की कोई बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है। किसान वहां जाते, सरकार अपनी बातें रखती है लेकिन किसान की बातें नहीं सुनती है, इसलिए किसान असंतुष्ट हो गए अपने। लेकिन जब चौथे और पांचवे दौर की बातचीत हुई थी तो किसानों ने कहा था कि ठीक है आप दीजिए प्रस्ताव, दीजिए प्रस्ताव, सरकार ने दिया। सरकार ने जो प्रस्ताव दिए हैं वो भी गुमराह करने वाले प्रस्ताव हैं। किसान कह रहे हैं एमएसपी को एक्ट में लाइए, सरकार कहां तैयार हो रही है? एक्ट में लाने को तैयार नहीं है सरकार। किसानों ने कहा कि बिजली बिल जो 2020 है उसे आप खारिज कीजिए। अच्छा, जिस एपीएमसी एक्ट की बात हो रही है जिसको लेकर अभी तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं, एक समय में तो यूपीए गवर्नमेंट तो एपीएमसी एक्ट में बदलाव चाह रही थी, वो कह रही थी बिना पूंजी निवेश के तो हो नहीं सकता, प्राइवेट प्लेयर को आना पड़ेगा इसमें। उस वक्त उनका वर्जन कुछ और था, आज कुछ और है। इसकी कोई गारंटी नहीं है और किसी भी पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसान की कोई सरकार से लड़ाई है। मोदी जी इस पे चलिए, देखिए ये अलग अलग जगहों से किसानों की आवाज आ रही है। एक बार फिर से बुलंदशहर का रुख करूंगा। शालिनी, ओवर टू यू। बिल्कुल, और यहाँ पर शाम होते ही प्रत्युष तस्वीर बिल्कुल अलग हो चुकी है क्योंकि ढोल मंजीरा भी यहाँ पर बज रहा है, अपनी अपनी राय भी लोग रख रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सुबह जो दिलों का हाल मैंने जाना था उस वक्त से लेकर के आप शाम होने को आई है अभी तक कोई डिगा नहीं है, कोई हटा नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर वाले जो वहां पर बैठे हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, अलग अलग बॉर्डर पर, गाजीपुर टिकरी, उनकी चिंता होती है, फिक्र होती है? हाँ, चिंता तो है ही अपने की, रात बारिश भी हुई है और सब परेशान है, ठंड पड़ी रही है, मगर जब भी डटे हुए हों और लग जाओ महीना दो महीना तो बिना हटे। चिंता होती है लेकिन और महीना दो महीना अगर लग भी जाए तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, ये भी मैं बताऊं प्रत्युष की, आज जब से मैं सुबह से यहाँ पर आई हूँ सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं, कभी रिमझिम फुहार पड़ रही है तो कभी इसी के साथ कोहरा भी है, लेकिन ये कोहरा छटेगा कैसे सरकार और किसान के बीच का? अब आपने जो बताई कि मोदी जी पहल कर रहे हैं, अगर मोदी जी पहल करेंगे तो मान लो अगर किसान की बात सही है जाएगी तो कोहरा ही छट जाएगा, किसान के लिए तो सब बढ़िया ही बात होगी। फिर तो देखिए ये भी यहाँ पर समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा है, बस वो पहल करें, वो अगर पहल करेंगे तो फिर लग रहा है बीच का रास्ता निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, और वो तो राजा है, जब समाज में आके और किसानों के धुरे आके कोई बातें कह देंगे, हाँ जी उस पर वो राजी कर जाए। ये मोदी जी अब पहल कर रहे हैं, पहले से क्यों नहीं करी? हमें 17 दिन हुआ होगा पड़ी पड़ी ठंड में,
इन्होंने कभी सोचा है किसान मतलब जो तो अब आप कह रहे हैं कि वो आगे भी ना आए बात ना करें, अब आए हैं बात करने के लिए तो आगे आएंगे बात करेंगे ढंग से तो मानेंगे नहीं कोई बजे हम तो चलते रहेंगे असहयोग आंदोलन हमारा तो असहयोग ये किसानों का असहयोग आंदोलन है और इसे उसी नजरिए से देखना चाहिए कि सहयोग अगर उधर से हो जाएगा तो फिर इधर से भी सहयोग हो जाएगा। देखिए देर से आए दुरुस्त आए, मोदी जी मान जाए अच्छी बात है किसान अपने घर आ जाएगा, नहीं तो देखो मोदी जी को तो परेशानी नहीं हो रही, आराम से अपने बंगले में बैठे, हमें दर्द होता है लेकिन मोदी जी को परेशानी नहीं हो रही ये आप लोग कैसे सोच सकते हैं। देखिए अगर हम भारत की बात करें तो ये कृषि प्रधान देश है और ज्यादातर यहाँ की जो जनसंख्या है वो कृषि के ऊपर ही निर्धारित है, तो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कोई भी प्रधानमंत्री कैसे कर सकता है। अगर किसानों को दिक्कत होगी तकलीफ होगी उनकी आय कम होगी तो देश की आय कम होगी। देश की आय तो जब ये कम हो रही है कि जब किसानों को परेशान कर रहे हैं और किसानों के जो है उपज का सही दाम मिले तो देश की तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी आए और पहल करें और किसान हर कोई यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी आए और पहल करें, पहल होगी तो समाधान भी निकलेगा। हाँ जी ठीक है ऐसे ही करवाओ। हाँ और क्या समाधान निकलना चाहिए आपको। समाधान लेकिन निकलना चाहिए, समाधान ही है। हाँ, समस्या का समाधान ही है, देर बहुत ज्यादा हो गई है। सवाल मैं बाबा एक बार फिर से आपसे यही पूछूंगी कि देश की अर्थव्यवस्था खराब करने का काम कोई भी मुखिया थोड़ी कर सकता है, दिक्कत तो उसको ही होगी। नहीं समझनी चाहिए आज देश की जो GDP है वो कितनी गिर चुकी, वो जभी तो गिर चुकी जब किसान परेशान है, किसान की आय खत्म है, किसान की आय जब किसान एक रीढ़ की हड्डी है बता रहे हैं कि देश की आर्थिक जो समृद्धि है वो गांव में से गुजरे है, तो फिर किसान को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ बैठा हुआ किसान, बुलंदर शहर में बैठा हुआ किसान GDP की बात भी कर रहा है, तो इसका मतलब कोई भी ये न समझे कि किसान के पास ज्ञान कम है या वो नहीं जानता अपने हित की बात। लेकिन अब ये जो 3 कानून है इन्हें रद्द करने की मांग के ऊपर जो किसान अड़ा हुआ है, सरकार कह रही है हम खत्म तो नहीं कर सकते, संशोधन कर सकते हैं, जो चाहो लिख के दे दो संशोधित कर देंगे। मोदी जी ने ये कानून जो बनाए 3 ये काले कानून, इनको वापस लें। किसानों ने जो धरना दे रखा है ये सही दे रखा है, इन्होंने जो है कि तीनों कानून गलत बनाए काले। अच्छा एक बात मुझे बताइए, मैं एक बात ये समझना चाह रही हूँ कि देखिए अगर कोई रंग है बाबा ये बताइए, एक अगर कोई रंग है हरा रंग है ठीक है, उसमें मैं कोई दूसरा रंग डालूं तो वो उस रंग का हो जाएगा, है ना, रंग वो बार बार बदलता चला जाएगा। देखिए चिरौली गांव की तस्वीर शाम के वक्त है, देखिए यहाँ पर ये घोड़ी है थोड़ी सी भिदक गई है, उसको मनाने की कोशिश की जा रही है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही देखिए किसान भाई लोग हैं यहाँ पर जो चौपाल में सुबह से लेकर के शाम हो गई है अभी तक डटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि क्या अलाव जलाएं क्या यहाँ पर, वो कह रहे हैं क्योंकि अब लग रहा है कि ये चौपाल लंबी चलने वाली है। क्या दादा चौपाल लंबी चलेगी ये बातचीत का कुछ समाधान दिख रहा है? नहीं बातचीत का समाधान अभी तो कुछ दिख नहीं रहा जी, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बातचीत का कोई समाधान ना निकले। और समाधान निकालने के लिए सरकार अगर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी को कोई सद्बुद्धि दे जिससे समाधान जल्दी हो जाए। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि आइए आइए और आकर के बातचीत कीजिए। आप महा चौपाल को सरकार भी देख रही है, कृषि मंत्री ने भी महा चौपाल को देखा और सीधी आपकी बात, जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे थे कृषि मंत्री सुन रहे थे, कृषि मंत्री ने उसका जवाब दिया जो आप लोग कह रहे थे कि आप खुले मंच पर आए, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए भी तैयार हैं। जी हिंदुस्तान में महा चौपाल को देखने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम सार्वजनिक मंच पर भी किसानों से मिलने को तैयार हैं। मिलने को तो तैयार है पर झूठ की तो हद हो। एक बात बताओ 6-6 वार्ता है नहीं आज फिर जाएं और यहाँ तो हम तो अलाव लगाएंगे नहीं, अलाव लगा के अपने पकड़ बांध के सीधे बॉर्डर पे ही जाएंगे भैया, अपनी रोजी रोटी रोटी ले जाएं, लंगोटी ले जाएं, सोटी ले जाएं और वहीं बैठेंगे जब तक हमारे इन कानून उन तीनों बिलन ने ये मान ना ले तब तक हमारी आर पार की लड़ाई चलती रहेगी। अपने यहाँ आप लकड़ीन की तैयारी कर दिए, लकड़ीन को लाभ आ जाएगा, रजाई गद्दा आपके लिए यहाँ सुविधा रहेगी, लेकिन हम तो जाएंगे बॉर्डर पे ही चिल्ला बॉर्डर पे सीधे जब तक ये तीनों बिलों को वापस नहीं ले लेते हैं। अच्छा मतलब यहाँ गांव से सीधे बॉर्डर पर जाओगे आप लोग? हाँ जी बॉर्डर पर जाएंगे, चिल्ला बॉर्डर से अगारी बढ़ जाएंगे हम और जंतर मंतर पे हमें बुला लो, खूब खुले दिल से बात करो हमसे। अच्छा आप चाहते हैं जंतर मंतर पर खुले दिल से बात हो? हाँ जी जंतर मंतर पर बुला लो और खूब बात करो बैठ के सबसे, हमारे जो नेता लोग हैं हमारे बड़े
वो पहुंच जाएंगे इनके पास, हम वहां बैठे रहेंगे। तो ये जो 40 नेता विज्ञान भवन पर जो बातचीत कर रहे थे, 40 किसान नेता विज्ञान भवन पर जो बातचीत कर रहे थे, क्या उससे संतुष्ट नहीं है? हम उससे संतुष्ट हैं, लेकिन किसानों की बात भाजपा के कृषि मंत्री ने कहां मानी है? सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर। टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ पांच भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर, जी हिंदुस्तान। डाउनलोड करें और बाखबर रहें।